नहीं ऐसे 31 है, आपने तो 47 का ही नहीं, 47 का तो हमने आपको ये बताया कि ये प्रॉब्लम्स है, ऐसे 31 है इंडस्ट्रियल एरिया है। आप अभी चलो अभी सड़क देखिए, हमारे 47 में एक सड़क बनी हुई है, दोबारा आधे घंटे के अंदर सड़क बना दी। 31 में अभी भी चलो आप, वो सड़क वैसे की वैसे टूटी पड़ी हुई है, कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया हमारे MC ने। तो साथ में आप कह रहे हैं पैसा इसमें वेस्ट कर रहे हैं, किस पे वेस्ट कर रहे हैं फिर? वेस्ट जैसे एक सड़क बनी हुई है दोबारा बनाई जा रही है, पैसे वेस्ट है। 47 में एक सड़क बनी हुई है, आधे घंटे के अंदर सड़क बन रही है इस वक्त, जबकि जब भी मतलब की कोई रोड, टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है सर, टेक्नोलॉजी सड़कें तो बन जाती है इतनी जल्दी? नहीं नहीं सर, सर अब ना टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है ना सर, वहाँ बनी है ना उसको आप खुद देख के बताएंगे कि ये सड़कें टिकने लायक है, बस आप इतना देख लीजिए कि वो सड़क टिकने लायक है, वही चीज के ऊपर द्वारा फिर लुक की फटाफट लुक लगा के वैसे लुक कारपेटिंग की है बस। हां जी भाई 47 का गड्ढा भी हो गया था बड़ा, अभी देखो अभी आज इन्होंने खड्डे भी हो गए, वहाँ पे खड्डे भी हो गए 2 दिन में, और जो खड्डा है वो कभी आज तक ठीक नहीं कराया, एक खड्डा है हमारे 47 सी में। ये सब चीजें कैसे होंगी जब तक एजुकेटेड नहीं होंगे बंदे? ये तो एजुकेटेड सर होंगे कैसे, आपने उसके बताया बोला ही नहीं अभी तक कुछ एजुकेटेड। ये तो फिर सर जो हमारे जैसे गवर्नमेंट स्कूल वगैरह हैं 47 में, उन्होंने नाम के अच्छा मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, तो 47 में अभी भी गवर्नमेंट स्कूल ही है, जबकि उसे मॉडल स्कूल बनाना चाहिए जिससे मतलब कि एजुकेशन अच्छी मिले, और उसी से फिर मतलब कि हर एक किसी को जो जैसे यहाँ के रहने वाले हैं प्लानिंग अलग नहीं से नहीं आए। और हम सबसे बड़ी बात हम ये चाहते हैं कि हमारे वार्ड के लिए जितना भी MC को पैसा आता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारे सेक्टर में पैसा कहाँ पे लग रहा है, कितना पैसा किस जगह पे लगाना है। ये नहीं कि एक टाइलें लगी हुई है उसी को उखाड़ के दोबारा लगा दी, फिर दोबारा पहले लगाने के पैसे लेने हैं, फिर पटने के पैसे लेने हैं, फिर लगाने के पैसे लेने हैं, एक काम को वो 3-3 बारी कर रहे हैं, और रोड का भी हाल है, सड़कों को वैसे के वैसे वही हाल है। और मेडिकल फैसिलिटीज क्या है? मेडिकल हम चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए हमारे सेक्टर में एम्बुलेंस 24 आवर्स होनी चाहिए हमारे वार्ड के अंदर, चाहे वो किसी में भी, चाहे 48 में खड़ी हो, चाहे 31 में हो, चाहे 47 में हो, ये बहुत जरूरी है हमारे वार्ड के लिए। आप मेरे ख्याल है यंगेस्ट कैंडिडेट हो गए? हाँ जी सर। कितनी एज है आपकी? 28। तो ये इलेक्शन का कैसे हुआ, सडनली कैसे हुआ आपका? सर सडनली हमने प्लान किया हुआ था कि हम इस पर इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा अच्छा। हमने हमारा मेन स्ट्रेटजी यही था कि हमारे दोनों हमारे जो भी सर ऐसा है कि हमारे यहाँ से जितनी बार इलेक्शन लड़ा जाता है ना आउटसाइडर लड़ते हैं, कभी कोई 15 सेक्टर से आ रहा है, कभी कोई 46 से आ रहा है। अब 46 वाला जैसे कि इस वक्त हमारा MC है वो 46 का है, हमारे सेक्टर में रामलीला होती है लेकिन उसका दिशहरा हमेशा 46 में मनाया जाता है। क्या 31, 47, 48 के अंदर कोई इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है जहाँ पे दिशहरा मनाया जाए? और जो हमारे वार्ड का जो MC है, हमारे पास कोई पास नहीं आते, आज तक नहीं आए, वहाँ 46 में पास बांट देता है, या वो सब बैठ के वहाँ पे देख रहे होते हैं, हमारे 47 वाले जाके पीछे देखते हैं कि अब वार्ड के होते हुए उसे अपने वार्ड में सबको पासेस अरेंज कराने चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो अगर रामलीला 47 में हो रही है तो हमारा दिशहरा भी 47 या 48 में, ये ब्रांड ट्री स्कूल है इसके पीछे इतना ग्राउंड है वहाँ पे मनाया जाए। इन ग्राउंड की यूटिलिटी तो अभी तक कुछ हुई नहीं कहीं भी, जो ब्रांड ट्री के पीछे है। हाँ जी, उसकी यूटिलिटी तो कोई है ही नहीं अभी तक। नहीं सर, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि दिशहरा मनाने की बात कर रहा हूँ, अब वो इतने से छोटे से ग्राउंड में बना सकते हैं 46 के, तो इतने बड़े में आराम से मतलब कि जहाँ पे वहाँ पे इतनी किचपिच होती है, हमारे 47 या सारे वहीं पे जाके देखते हैं, तो हम 48 पे क्यों नहीं बना सकते, अपने वार्ड के अंदर क्यों नहीं बना सकते? बेस्ट ऑफ लक जी, अपना नाम बता दीजिए। जितेंद्र कुमार। कहाँ से हैं? 47 से। आपने क्या किया है? मैंने प्लस टू की हुई है। प्लस टू से कहाँ से? अपना दिल्ली बोर्ड। दिल्ली बोर्ड से। हाँ जी, वैसे मैं बिजनेस मैन हूँ, मेरी शॉप्स हैं 19 में। चलो ओके बस।